दोपहर प्राइम टाइम में अब बात नोएडा की करेंगे, जहां नोएडा की गालीबाज महिला के बाद अब थप्पड़बाज महिला का वीडियो भी सामने आ गया है। नोएडा के क्लियो काउंटी सोसाइटी का ये मामला है, जहां गेट खोलने पर भड़की एक महिला ने गार्ड को थप्पड़ जड़ दिया, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गया है। महिला का नाम सुतापा दास बताया जा रहा है, जो पेशे से प्रोफेसर बताई जा रही है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। एक के बाद एक लगातार ऐसे मामलों के सामने आने से पुलिस भी सतर्क है और इसी वजह से तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले नोएडा की गालीबाज महिला का वीडियो सामने आया था, जिसने सोसाइटी के गेट पर गार्ड से गाली गलौज किया था और हंगामा खड़ा कर दिया था। अब थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। ताबड़तोड़ थप्पड़बाजी के साथ साथ महिला ने गार्ड के साथ बदसलूकी की कोशिश की। गेट खोलने में देरी पर महिला ने कार से उतरकर गार्ड को थप्पड़ जड़ दिया। महिला काफी देर तक हंगामा करती रही और गार्ड के साथ बदसलूकी और हाथापाई करती रही। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें महिला की बदसलूकी कैद हो गई है। दरअसल कसूर सिर्फ इतना था गार्ड का कि गेट खोलने में थोड़ी सी देरी हो गई थी और यही इस महिला को नागवार गुजरा और मैडम का पारा इतना चढ़ गया कि उन्होंने थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए गार्ड को। और आप देखिए किस तरीके से बदसलूकी ये महिला कर रही है। हालांकि पुलिस ने इस महिला को गिरफ्तार कर लिया है और अब आगे इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतनी जल्दी पारा कैसे चढ़ गया इस महिला का। सिर्फ कसूर इतना कि गेट खोलने में देरी हो गई और इसी बात पर महिला इतनी भड़क गई कि उसने जो गार्ड था उस पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भी तस्वीर कुछ दिन पहले वायरल हुई थी, जब एक महिला ने ऐसी ही हाई राइज सोसाइटी में गार्ड के साथ बदसलूकी की थी, भद्दी भद्दी गालियां दी थी। इस महिला को भी गिरफ्तार कर लिया गया था और अब ये जो नया मामला सामने आया है, इसमें भी महिला की गिरफ्तारी हो गई है। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये जो महिला आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है, ये पेशे से प्रोफेसर बताई जा रही है, जिसने इस तरीके से गार्ड के साथ बदसलूकी की है, थप्पड़ों की बौछार गार्ड पर बरसानी शुरू कर दी, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और मामला सिर्फ इतना भर है कि गार्ड से देरी हो गई थी, वो गेट खोलने में थोड़ा सा देरी हो गई थी और इसी बात पर ये महिला भड़क गई और उसके बाद इसने आओ देखा न ताओ सिर्फ गार्ड पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। लेकिन अब इस महिला की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि इस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुतापा दास महिला का नाम बताया जा रहा है, पेशे से प्रोफेसर बताई जा रही है, जिसका पारा इतना चढ़ा गेट खोलने में देरी होने पर कि उसने गार्ड के साथ बदसलूकी करनी शुरू कर दी और गार्ड पर थप्पड़ों की बौछार कर दी, जिसके बाद महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये भी नोएडा की ऐसी हाई राइज सोसाइटी से वायरल हुई थी, जहां भद्दी भद्दी गालियां देती हुई एक महिला नजर आई थी, जिसे फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वो भी पुलिस की कस्टडी में है। और जो आप ताजा तस्वीर देख रहे हैं, उसमें भी आरोपी सुतापा दास महिला का नाम है, जिसे गिरफ्तार कर लिया है और आगे पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। लेकिन देखिए, गेट खोलने में सिर्फ 5 मिनट की देरी मैडम को नागवार गुजरी और मैडम का पारा इतना चढ़ा कि उन्होंने गार्ड पर थप्पड़ों की बौछार शुरू कर दी। और हमारे सहयोगी अतुल भाटिया क्लियो काउंटी जिस सोसाइटी का ये मामला है, वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, देखिए दोनों पढ़ी लिखी महिला हैं, एक जो आज का वीडियो सामने आया वो पेशे से प्रोफेसर हैं, जो पहले ऐसा ही नोएडा से सामने आया था वो पेशे से वकील हैं। पढ़ तो लिए, लेकिन समाज में कैसे रहना है शायद वो नहीं पढ़ पाए, इस मामले के बारे में विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पूरा मामला है, शनिवार दोपहर 11 बजे की घटना है और यही क्लियो काउंटी सोसाइटी है, ठीक इसी जगह पर ये पूरी घटना होती है, जब सुतापा दास नाम की जो महिला प्रोफेसर है वो इस गेट क्लियो काउंटी सोसाइटी की तस्वीरें आप देख रहे थे। अतुल हमें बता रहे थे कि कैसे गेट के अंदर जाने को लेकर, गेट देरी से खुलने को लेकर दरअसल ये पूरा विवाद शुरू हुआ। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दोनों पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, चाहे आज के इस पूरे घटनाक्रम की बात करें या कुछ दिनों पहले जो वाक्या सामने आया था। आपने किताबें पढ़ ली, आप वकील बन गए, आप प्रोफेसर बन गए, लेकिन समाज में लोगों के साथ कैसे रहना है, खासकर गार्ड्स और दूसरे छोटे तबके के लोगों के साथ, वो नहीं सीख पाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।